कश्मीर की पूंछ और सुरनकोट के अंदर स्थानीय लोगों के द्वारा एक बात सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दें कि एक उत्साह के लिए आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। इसमें कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि कश्मीर स्वर्ग है और इसी के चलते हुए वहां की खूबसूरती को लेकर के यह सब बातें सामने आती हुई नजर आई है। हाल फिलहाल वहां पे अभी क्या कुछ नई अपडेट सामने आई है, किस प्रकार से आयोजन की बात सामने आई और इस आयोजन में क्या क्या होने की संभावनाएं जताई गई है, इन सभी की जानकारी देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। क्षेत्र के विकास पथ को फिर से शुरू करने की स्थानीय लोगों की इच्छा को एक प्रतिध्वनि मिली जब ऊर्जावान स्थानीय लोगों की टीम ने पूंछ और सुरनकोट के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का उत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। टीम को सशक्त बनाकर के मार्गदर्शन और समर्थन के संदर्भ में सहायता भारतीय सेना द्वारा की गई। लंबे समय तक योजना की प्रक्रिया चलती रही और सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन का दिन भी आ गया जब देश के 10 अलग अलग राज्यों से 33 पर्यटक जम्मू पहुंचे। जम्मू में उपनिदेशक पर्यटन द्वारा पर्यटकों की टीम की को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और उसके बाद बिम्बर गली में महोत्सव प्रबंधन समिति के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया है। टीम आगे थी पर्यटक स्वागत केंद्र में, पूंछ में नागरिक प्रमुख हस्तियां और मीडिया कर्मियों द्वारा प्राप्त किया गया। इस तरह फ्रोजन फिएस्टा का पहला दिन शुरू हुआ। पीर पंचाल फेस्टिवल में द विंडर फेस्टिवल, सभी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था होटल लिटिल मॉक प्लैनेट पूंछ में की जाती है। कार्यक्रम के दूसरे दिन सीमावर्ती गांवों का दौरा किया जाएगा और उसके बाद नंगली साहेब, बूढ़ा अमरनाथ मंदिर, विभिन्न जियारत और स्थानीय पर्यटन स्थलों का दौरा किया जाएगा। दिन का अंत कुछ के पूंछ के नाटू ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक केडी मैनिंग के व्याख्यान के साथ में होगा। इसके बाद जयपुर के डीजे अनुपमा और मुंबई के डीजे ट्राइब द्वारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पूंछ में डीजे नाइट भी होगी। प्लीज सर, आई एम फीलिंग मच बेटर, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। वी इंडियंस, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू डेवलप द टूरिज्म इन दिस प्लेस। कम विजिट दिस प्लेस, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रवेश चावला है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आज तक 3 दिन से ज़्यादा कभी टूर पे घूमने नहीं गया। ऐसे जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने बिजनेस की तरफ दौड़ता है। पर जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई पूंछ में आर्मी का आर्मी का एक कैंप है, बहुत अच्छा सिविलियंस के लिए, यहाँ पे टूरिज्म के लिए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, पर वाकई में जब उसने मुझे बताया तो वाकई में मेरा दिल इतना खुश हुआ ना कि मैंने कहा यार क्या 6 दिन के 7 दिन लग जाए। पर आर्मी की बात जहाँ आती है वहाँ दिल बहुत खुश हो जाता है। और मैं सब कुछ छोड़ के, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के सिर्फ आर्मी के लिए आया हूँ यहाँ पे, और जिससे हमारे लोगों को, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उनको लगे कि हाँ हमारी देश की जनता उन्हें इतना प्यार करती है, उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकती, जिससे उन्हें लगे कि हम लोग मिलने आते हैं, उनके लिए आते हैं। सिर्फ जो भी मैं आया हूँ ना आज, क्या मैं जितना मर्जी एंजॉय करूँ, पर मैं वाकई नहीं, मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ तो मैं सिर्फ आर्मी के लिए आया हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं आया। थैंक यू सर। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।